हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन शरबत, जो समर के लिए और रमज़ान के लिए बेस्ट है। ये बहुत ही हेल्दी कोल्ड ड्रिंक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएं। इसके लिए हमें लगेगा वाटरमेलन, कलिंगर, तरबूज, जो भी आप कहते हो। तो इसे बस हमें कट करना है और एक बॉल लेना है और उसके अंदर हमें इसे अच्छे से कट कर ऐड करना है। हमें इसे ऐसे ही चॉप करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे कट करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तरबूज में 99% पानी होता है, जो हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है गर्मियों में। तो बस हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। मैं ये थोड़े ही कट कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ हाफ लीटर के लिए बना रही हूँ। 500 ml के लिए मैं ये शरबत बना रही हूँ, तो इसमें आइस क्यूब्स ऐड करना है। आइस क्यूब्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और हमें फुल फैट मिल्क चाहिए इसके लिए। इसमें कोई पानी मैंने ऐड नहीं किया है और इसे मैंने गर्म कर इसमें शक्कर मैंने ऐड की थी और उसे डिज़ोल्व होने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने तरबूज भी मैंने ठंडा ही यूज़ किया है, रूह अफज़ा ठंडा ही है, और दूध में भी मैंने शक्कर ऐड कर उसे भी मैंने ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, तो वो भी ठंडा ही है। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद बस इसमें हम अब रूह अफज़ा ऐड करेंगे। रूह अफज़ा इतना ऐड करना है जब तक कि हमारे दूध का जो कलर है वो लाइट पिंक नहीं हो जाता, या तो फिर रूह अफज़ा का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। वाटरमेलन शरबत बनाते वक्त आपको दूध जो है वो गाढ़ा लेना चाहिए, उसमें कोई पानी ऐड नहीं करें, क्योंकि वाटरमेलन में भी पानी ही होता है। जो आइस क्यूब हम इसमें यूज़ करते हैं वो भी अपना पानी छोड़ देंगे, मीन्स वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो वो भी पानी हो जाएगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा मीन्स टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसके लिए बेस्ट होगा कि आप फुल फैट मिल्क लें जो गाढ़ा हो। जब आप इसे घर पर बनाओगे तो बहुत जल्दी बनने वाला काम है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।